हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी आना। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं हाका नूडल्स, जो बहुत ही यम्मी बनते हैं और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ मैंने चिंग्स जस्ट सोप होल व्हीट हाका नूडल्स लिया है, जो 98% गेहूं के आटे से बना है और बहुत ही हेल्दी है। तो फटाफट यहाँ मैंने पानी को बॉइल कर लिया है, फ्लेम को क्या करते हैं बंद कर देते हैं और नूडल्स को हम पानी में सोक करके रख देते हैं केवल 5 मिनट के लिए, तो ढक कर रखना है। इसी के साथ हम कुछ सब्जियां भी काट लेंगे। जो भी सब्जियां आपको नूडल्स में पसंद है वो सब्जियां आप इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा कम या ज्यादा। तो यहाँ मैंने शिमला मिर्च, प्याज, बीन्स, साथ में हम पत्ता गोभी, गाजर का यूज करेंगे और साथ में हम यहाँ पनीर का यूज करने जा रहे हैं। आप इसके जगह मशरूम का यूज कर सकते हैं या जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो सब्जियों को फाइन चॉप कर लिया है और पनीर को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। यहाँ जो नूडल्स है केवल 5 मिनट लगा है और बढ़िया से ये कुक हो गए हैं, तो इन्हें हम छान लेते हैं। नूडल्स को हमें वॉश करना है। आपस में ये नूडल्स बिल्कुल भी चिपके नहीं है, नॉन स्टिकी नूडल्स हैं। तो ये देखिए कितने खिले खिले ये नूडल्स बने हैं और बहुत ही अच्छे से ये कुक्ड हो गया है। तो इसे हम आपको तोड़कर दिखा रहे हैं। पैन में 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल देते हैं, फ्लेम को हमें हाई रखना है। कटा हुआ इसमें लहसुन डाल देते हैं, प्याज डाल रहे हैं और 20 से 30 सेकंड के लिए इसे फ्राई कर लेते हैं। सभी कटी हुई सब्जियां डाल देते हैं। बच्चों को सब्जी खिलाने का बहुत ही अच्छा बहाना है। नूडल्स भी हेल्दी है क्योंकि आटे का बना है, जैसे रोटी होती है वैसे ये नूडल्स है और ढेर सारी इसमें सब्जियां हैं। फ्लेम को आप हाई रखिएगा और 1 से 2 मिनट आपको सभी सब्जियां कुक करनी है यानी पकानी है और इसके बाद इसमें हम नूडल्स डाल रहे हैं। कटा हुआ पनीर डाल देते हैं। अब इसमें हम चिंग्स चाउमीन हाका नूडल्स मसाला डाल रहे हैं और इससे ये जो नूडल्स है ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो जाएगा। 2 बड़े चम्मच पानी डालेंगे और कोई मसाला या नमक इसमें अलग से नहीं डालना है आपको और अच्छे से मिक्स करना है। सुपर टेस्टी और हेल्दी आटे से बने हुए ये नूडल्स रेडी हो चुके हैं। यहाँ हम स्प्रिंग अनियन डाल देते हैं और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला कि ये गेहूं के आटे से बने हैं, तो आप इसे जरूर बनाइएगा। तो यहाँ जो चिंग्स जस्ट सोप होल व्हीट हाका नूडल्स है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे जरूर ट्राई करें, कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इसे आप जरूर ट्राई करिएगा। एक बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।